जैसा कि आपको पता है कि आजादी के बाद से ही भारत हथियारों के मामले में हमेशा से ही दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, और यह देश जिनको कि आप हथियार माफिया भी कह सकते हो, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, भारत को भी हथियार सप्लाई किया है और भारत के दुश्मनों को भी हथियार सप्लाई किया है। ये देश भारत को भी अपना दोस्त बनाते हैं और दूसरी तरफ भारत के दुश्मनों को भी अपना दोस्त बताते हैं, और इसी बहाने ये देश ये हथियार भारत को भी बेचते हैं तो वही तरफ भारत के दुश्मनों को भी बेचते हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो। यानी ये हथियार माफिया देश ऐसे ही हिपोक्रेसी अपना करके काफी मोटा मुनाफा कमाते हैं। जैसे कि रूस जो हथियार भारत को बेचता है वही हथियार चीन को भी बेच देता है। आपको बताते चले कि अभी कुछ सालों के अंदर रूस ने भारत के साथ 15 अरब डॉलर के हथियारों का सौदा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भी 7 से 8 अरब डॉलर का सौदा भी किया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी पहले पाकिस्तान को बेचता था हथियार, और अब वो हिंदुस्तान को भी बेचने लगा है। अमेरिका को देखोगे आप तो अमेरिका जहां इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी को उठा करके अरबों डॉलर का अमेरिकी हथियार इन दोनों देशों को बेच रहा है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने जहां पर इजराइल को अरबों का डर दिखा करके अमेरिकी F-35 का सौदा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब को इजराइल और ईरान का डर दिखा करके करीब 80 अरब डॉलर का सौदा किया है। यहां पर आपको अमेरिकी हिपोक्रेसी साफ नजर आएगी। अमेरिका इजराइल का भी दोस्त है और तो दूसरी तरफ सऊदी अरब का भी दोस्त है, लेकिन हथियार अमेरिका दोनों को बेचता है। ठीक इसी तरह से ये हथियार माफिया देश भारत का भी फायदा उठाते आ रहे हैं, लेकिन इसमें गलती इन माफिया देशों की नहीं है बल्कि खुद भारत का है कि हम उनको फायदा उठाने दे रहे हैं, क्योंकि आजादी के 70-75 सालों में भी हम इस लायक नहीं हो पाए हैं कि कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार बना सकें। यहाँ तक कि छोटे छोटे हथियारों और हेलीकॉप्टर के लिए भी भारत इन हथियार माफिया देशों पे निर्भर है, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फ्रांस हो। लेकिन अब भारत बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि भारत ने 101 हथियारों को इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि मोदी सरकार कुछ और हथियारों के इंपोर्ट पे बैन लगाने वाली है। उसका कारण यह है कि मोदी सरकार चाहती है कि भारत में ही हथियार बनने शुरू हो और भारतीय कंपनियां इन हथियारों को बनाना शुरू करें, लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय कंपनियों के पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है और उतने पैसे नहीं हैं। तो इसका सलूशन यह निकाला गया है कि डिफेंस में FDI की परसेंटेज बढ़ाई जाएगी, जिसके अंतर्गत इन भारतीय कंपनियों में 75% तक विदेशी निवेश हो सकेगा और इन कंपनियों के पास अच्छे खासे पैसे आएंगे, जिससे भारतीय साइंटिस्टों और इन कंपनियों को एक बूस्ट मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है भारत के लिए, और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत में भी ठीक उसी तरह के डिफेंस कंपनियां बने जैसा कि अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और फ्रेंच की कंपनी डसॉल्ट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।